ऑल राइट, तो हेलो यूट्यूब, तो कैसे हो सारे? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। इट्स मी रिशु नायक बैक टू अगेन विद द न्यू वीडियो। तो गाइज, हाथों में ब्रश देख के आप समझ ही चुके होंगे कि अभी सुबह का टाइम है। तो जी हाँ, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और 8 बजे हम लोग को निकलना है छतरपुर की, और क्योंकि हमारा वहाँ पर सेंटर पड़ा है और आज हमारा एग्जाम, क्योंकि आज है 5 मई और आज से हमारा एग्जाम स्टार्ट है। तो मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो कि एक पीछे में और कुछ लोग घर में हैं जो कि फ्रेश हो रहे, रेडी हो रहे हैं। सो गाइज, सोचा कि अभी जाके इंट्रो को जो जाके शूट कर लेते, तो मैं अभी इंट्रो शूट करने के लिए आया हूँ। तो मैं भी अभी जाके फ्रेश होऊंगा। और गाइज, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं किसी सेंटर में जाके एग्जाम दूंगा। इससे पहले मैं स्कूल या फिर ट्यूशन में एग्जाम दिया करता था, लेकिन इस बार मैं फर्स्ट टाइम, मेरे पहला एक्सपीरियंस है जब मैं किसी सेंटर में जाके अपना एग्जाम दूंगा। तो क्या कुछ होगा क्या नहीं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के थ्रू देखने को मिल जाएगा। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस को देखने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग फ्रेश होते हैं, घर जाते हैं, फ्रेश होते हैं, रेडी होकर फिर इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो चलो चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग घर से अपने निकल चुके हैं सेंटर जाने के लिए। तो इतने लोग हैं जो कि एग्जाम देने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि हम में से 5 लोग जो है एक ही रूम पे बैठे हुए हैं और हम लोग एक दूसरे के आगे पीछे बैठे हैं। बट ये जो हमारा साहिल है ना, महुआ, साहिल, ये सबसे अलग बैठा हुआ है, दूसरे रूम पे बैठा हुआ अकेला। तो देखते हैं कि अब होता क्या है। और वैसे भी हम लोग सेंटर अपना देखे नहीं कि कहाँ पर है, तो हम लोग मैप के थ्रू जाएंगे क्योंकि ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है और हम सब का जो है ये पहला एक्सपीरियंस है कि हम लोग किसी सेंटर में जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। तो देखते हैं क्या कुछ होता है क्या नहीं, तो आपको भी देखने को मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग अपने सेंटर पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग पीछे देख सकते हो चितरपुर हाई स्कूल। तो वहाँ पर ये अभी एक नोटिस लगी है कि कौन कौन बच्चे रोल नंबर के हिसाब से कहाँ पर किस रूम में बैठेंगे। तो अभी हम लोग जाके वहाँ पर देखते हैं कि कौन सा रूम हमारा है, तो उसके बाद इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो वैसे भी फ़ोन अंदर लेके नहीं जा सकते, तो फ़ोन को हम लोग कार पे ही रखेंगे, उसके बाद इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। और वैसे भी आज हमारा 2 टर्म है, एक है 9:45 से 1 बजे तक, उसके बाद 2 बजे से 5:15 तक हमारा एग्जाम चलेगा। तो फ़ोन को हम लोग कार पे ही रख देंगे। सो अभी हम लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं पहले कि हम लोग कहाँ पर बैठने वाले हैं। सो चलो अंदर जाते हैं। सो गाइस, अभी एंट्री होने वाली है अंदर में, तो अभी हम लोग सारे फ़ोन अपने रखने वाले हैं गाड़ी के अंदर, तो लगते हैं और उसके बाद हम लोग मिलते हैं 1 बजे। तो चलो चलते हैं। 2000 years later. Okay guys, so हमारा फर्स्ट सिटिंग कंप्लीट हो चुका है। हमने 2 एग्जाम दिया फर्स्ट सिटिंग में, उसके बाद हम लोग को ब्रेक मिला था जिसमें हमने खाया पिया और कुछ थोड़ा सा रिविजन किया है। और अभी हमारा सेकंड सिटिंग है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सेकंड एग्जाम देने। तो अभी 2 एग्जाम और होंगे और हम लोग 5:15 में आएंगे वापस, उसके बाद फिर घर जाएंगे। तो चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, सो आज का जो भी हमारा एग्जाम था वो कंप्लीट हो चुका है। टोटल हमारा 4 सब्जेक्ट। पहला सिटिंग का एग्जाम काफ़ी हम लोग अच्छा गया क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश था, और जो सेकंड सिटिंग हुआ था ब्रेक के बाद वो थोड़ा सा हमारा अप डाउन गया क्योंकि हमने अगल बगल से भी क्वेश्चंस को जो है कवर किया था। तो यहाँ पर ब्लॉग एंड नहीं होगा क्योंकि हमारा कल भी एग्जाम बाकी है। सो स्टे ट्यून और मिलते हैं हम लोग कल। ऑलराइट सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज है डे 2 और हमारा टर्म 1 का एग्जाम चल रहा है। तो कल था हमारा 4 एग्जाम और आज है हमारा 1 एग्जाम और आज लास्ट एग्जाम है। तो हम लोग जाने वाले देने के लिए और अपने 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 घर से निकल चुके हैं सेंटर जाने के लिए, और अभी हम लोग 10 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो कल का हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया, तो आज का एग्जाम देखते हैं कैसा ना कैसा जाता है। तो अभी हम 10 मिनट में सेंटर पहुँचने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। ओके सो गाइस, ये हमारा सेंटर, आप पीछे का इंटीरियर देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ पर हमारा सेंटर पड़ा और यहाँ पर हमारा एग्ज़ाम होगा, तो आपको आइए अच्छे से दिखाते हैं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾ। 2000 years later. ऑलराइट गाइस, तो सारा एग्जाम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा टर्म 1 का एग्जाम था, टर्म 2 शायद नेक्स्ट मंथ होगा। सो गाइस, आज का एग्जाम उतना भी खास नहीं गया, अगल बगल से हमने क्वेश्चन को कवर कर लिया था। तो गाइस, वीडियो में तो दिखाने लायक कुछ था नहीं क्योंकि हम लोग अंदर में एग्जाम दे रहे थे, प्लस जो फोन है वो कार के अंदर में था। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पार्ट अगर अच्छा लगा होगा, तो एक चीज़ और अच्छा लगने वाली है और वो है अपने चैनल का सब्सक्राइब बटन, देन क्लिक 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 एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सक्सेस बेबी, वड़ा पाव वड़ा पाव।